कहाँ गए भाई तू? नागर पड़ा है उसका क्यों मारा था चक्कू? एक मिनट भाई, एक मिनट, क्यों मारा चक्कू? क्या मारा है, क्या मारा है? रेवाड़ी में बदमाशों का कहर दिनों दिन बढ़ता ही जा रहा है। इतना ही नहीं, अब तो बदमाश दिन दिहाड़े वारदात को अंजाम देने से भी नहीं चूकते। इसी के चलते आज रेवाड़ी के रेलवे डबल फाटक पर ड्यूटी पर जा रहे एक युवक पर एक बदमाश ने तेजधार हथियार से हमला कर उसका मोबाइल छीन लिया और वहां से भाग पड़ा। वहीं युवक बुरी तरह से जख्मी हो गया। घटना के बाद आसपास खड़े लोगों ने मोबाइल स्नेचर का पीछा किया और पकड़कर उसकी जमकर धुलाई करनी शुरू कर दी। इतना ही नहीं, धुलाई करने के बाद लोगों ने इस बदमाश को पुलिस के हवाले कर दिया। इधर बदमाश की धुलाई का लाइव वीडियो आसपास खड़े लोगों ने कैमरे में कैद कर लिया। बहरहाल पुलिस ने पकड़े गए युवक से पूछताछ करते हुए उसके खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। आजाद टीवी न्यूज के लिए रेवाड़ी हरियाणा से नवीन शर्मा की रिपोर्ट। ओ भाई, एक मिनट भाई, क्यों मारा था ना उसको? कौन खोज के चक्कू क्या मारा, क्यों मारा? और वो मर जाता तो? नाम क्या है तेरा? राजपाल नांगल पठानी का है? सर ये मैं फाटक ड्यूटी आ रहा था अपने, तो ड्यूटी में पीछे से आके इसने मारी है मेरा, खोज के मार दिया। क्या मारा है ये पता नहीं, क्या मारा है, मारा है। किसको कहाँ पकड़ा फिर? ये अपने यहाँ बारह के पास पड़ा नाले के अंदर, नाले में गिर गया, इसके बाद पकड़ा ये। तो आपको जो चोट लगी हुई है वो किस चीज की मारी, ये नहीं पता। आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं अजयनगर रेवाड़ी भाई। आप कहाँ जा रहे थे ड्यूटी? कहाँ करते हो ड्यूटी आप? अपने यहाँ बाजार में। आइए, एक अमन कुमार नाम का, अमन कुमार सोनबलू नाम अजयनगर का है, ये फाटक क्रॉस कर रहा था। इसने पीछे से, जो राजपाल नाम का लड़का है, इसने पीछे से आकर के उसको किसी तेजधार हथियार से मरीज पर हमला कह रहे, उसका हाथ में दिया मोबाइल सिम करिए और भाग रहा था। जो उसने आवाज़ दी तो वहाँ पीछे और भी पब्लिक वहाँ से गुजर रही थी, तो पब्लिक ने उसका पीछा किया, तो पीछा करने बाद करीब 500-600 गज आगे जाकर इसको पकड़ा है। और जो पब्लिक में जिनको हमने नोट किया है, जो मौके के गवाह हैं, जिन्होंने घटना को देखा है, तथा जो लड़का इंजर्ड अमन कुमार नाम का जो इंजर्ड हुआ है, वो भी हमारे पास आया है। आरोपी को मुरियाने के ला करके